सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीजे गोलू राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल गोलू सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक सॉन्ग है जिसका डीजे रिमिक्सिंग करने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अरविंद अकेला यानी कि कल्लू का सॉन्ग है, कल्लू जी का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये दो दिन में यानी कि 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। फ्रेंड्स, 2.5 मिलियन के आसपास पहुँच चुका है। तो ये सॉन्ग अभी वायरल सॉन्ग है, तो इसको देखिए किस टाइप से इसका मिक्सिंग हम लोग करेंगे, इसका मिक्सिंग आज सीखेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से इसका मिक्सिंग करना है हमको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, एक कुछ इस टाइप का VFX आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं और इसको लगा देना है आपको। देखिए, हवा जैसा होता है वो वाला है हमारे पास, लेकिन इसको लगा देना है 3 स्टेप में। गाना को सुना देता हूँ कुछ इस टाइप से। कहाँ हुआ पूछू बेबी? बेबी वो क्या कहले बड़ो बताइबू कि बीपी बढ़ाई तो बर्दाश्त कर ले बना। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से इसका इंट्रो है, इसलिए इसका हवा वाला इफेक्ट्स अच्छे तरीके से लगाएंगे और देखेंगे आगे की तरफ क्या है। का हुआ पूछू बेबी? बेबी वो का कहले बड़ू बताइबू कि बीपी बढ़ाई तो बर्दाश्त कर ले बना। अरे बोला बे कि डरे बम्बई बे बोल, या फिर चाहे तो इतना कट कर सकते हैं और दूसरा कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम दो बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करेंगे, ढोल के लूप्स का, और ये अच्छे तरीके से फिट भी करेगा। ये देखिए, एक हो गया वो और एक ये हो गया। तो इसको लगाएंगे 1.5 स्टेप में और इसको 4 स्टेप में, सॉरी ये वाला नहीं है, इसको सेलेक्ट करके लगा देंगे इसको। और आगे एक स्टेप पैटर्न है, मैंने ऑलरेडी सॉन्ग को सुन लिया है, आपने सॉन्ग को नहीं सुना होगा तो सुन लीजिएगा। तो कुछ इस टाइप से है। तो देखिए, यहाँ पे इसको लगा दिया 3 स्टेप में। अगर इस सब का सैंपल चाहिए तो आप बोल दीजिएगा कमेंट में कि हमें सैंपल चाहिए, मैं सैंपल अपलोड कर दूंगा। वो भी फास्ट कीजिएगा, नहीं तो कहीं हम इसका वैकल्पिक प्रोजेक्ट डिलीट कर देंगे तो आपको ये सैंपल मिल नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे लगाना है हमको एक ब्रेक। तो देखिए, यहाँ पे ब्रेक चेक कर लेंगे किस टाइप का यहाँ पे ब्रेक। देखिए, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का ब्रेक मांग रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी ब्रेक बना के रखा हूँ। तो ये रिसेंट फाइल से हटाकर मैं अपने माई सैंपल में जाता हूँ। इधर मेरा माई सैंपल है, ये देखिए मेरा माई सैंपल, और यहाँ से मेरा इंट्रो में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा तरीके के इंट्रो यानी कि हम मैं ब्रेक को इंट्रो बनाता हूँ, इसलिए इंट्रो लिखा हूँ। तो कुछ इस टाइप से है। इसको इसका पुश थोड़ा बड़ा है, तो इसको फिर टेम्पो कर लेंगे 100 और 200 के बीच में। अब प्ले करके देख लेंगे कि अच्छे से बैठा है या फिर। देखिए, कुछ स्टेप्स है, अगर इसको चाहे तो दूसरा। यहाँ पे लो सॉन्ग है, लो म्यूजिक है, इसलिए इसको यूज करेंगे, अच्छा लग रहा है। देखिए, अब आगे क्रिएट करेंगे हम लोग एक म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ किस टाइप का म्यूजिक है। देखिए, यहाँ पे मैं एडी की का यूज करूँगा, जो आपको ये क्या बोलते हैं पैटर्न बोल रहा हूँ, ट्रैक के लिए यूज किया जाता है इस किक को। अगर ये किक का लिंक चाहिए तो ये भी बोल सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस किक का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखिए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हुक डालेंगे, हुक डाल देंगे एक स्टेप, सॉरी यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डाल देना है और एक स्टेप यहाँ पे डालना है। 2 स्टेप हो गया, 2 स्टेप को में ही हुक डालते हैं। अब डालेंगे यहाँ पे ढोल की, ढोल डालेंगे, ढोल, ये देखिए ढोल हो गया, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। अब क्या करेंगे, पैटर्न 1 में मैं लगाता हूँ जो वो लगा लेता हूँ, यहाँ पे हार्ट स्केल लगाता हूँ, तो ये रहा मेरा हार्ट बेसिक। तो इसको लगाएंगे 8 स्टेप में, हार्ट बेसिक को, ये देखिए 8 स्टेप में हो गया। अब क्या करेंगे, कट मार देंगे, मैं ज़्यादा कुछ लगाऊंगा नहीं इसमें। देखिए, ये हो गया हमारा 8 स्टेप में हार्ड बेसिक। अब क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड यूज करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट वाला बैकग्राउंड है जो वो डाल सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास है और सारा भी, उसमें से चेक कर लेता हूँ कौन सा डालना है। Thank you.
तो फ्रेंड्स ये वाला डालेंगे, ये वाला डालने से बैकग्राउंड का जो म्यूजिक होता है एकदम फ्रेश क्वालिटी में आवाज आने लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो ये हो गया, ये है हमारा थ्री स्टेप में। तो इसको थ्री स्टेप में हम लोग पेस्ट कर लेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और सुनेंगे किस टाइप का हमारा पैटर्न बना है। तो पहले तो इसका पूछ जो निकला है उसको कट मारेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये वाला को कट मार देंगे, ये वाला को कट मार के इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो पेस्ट करना है आगे की तरफ उसको पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये पेस्ट मैंने कर दिया है। अगर आपको ये पेस्ट नहीं करना आता होगा कॉपी पेस्ट तो क्या कीजिएगा, देखिए कंट्रोल बी से, बी से आगे बढ़ेगा कंट्रोल बी से, और इसको पूरा को सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल और अपने माउस से होल्ड क्लिक करके इसको पूरा सेलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। आप सॉन्ग को सुन रहे किस टाइप का हमारा तो देखिए फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड म्यूजिक का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा है, हाई हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, कुछ इतना सा रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है इसके साउंड को। और क्या करना है, यहाँ प्ले कर देंगे। यहाँ देखिए हुक नहीं मांग रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे लो सॉन्ग नहीं है, यहाँ पे हाई सॉन्ग है इसलिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिलीट कर देंगे हुक को और आगे लगा कर देखेंगे, अगर खपता है तो खपाएंगे और नहीं खपेगा तो क्या हटाएंगे। यहाँ पे हुक डाल देंगे अपना, ये रहा हुक को, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे दो स्टेप में डाल दिया हूँ, देखते हैं खपेगा तो खपेगा नहीं तो। अच्छा नहीं लग रहा है हमको हुक तो इसको डिलीट कर देंगे। कोशिश टाइप से हमारा पैटर्न हो, तो कुछ ऐसे ही बनाना है। अब देख लेते हैं आगे एक और एक नया स्टाइल का पैटर्न है उसको भी बना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ एक और यहाँ से नया पैटर्न है इसको देख लेंगे, पहले प्ले करके सुन लेते हैं किस टाइप का है ये। यहाँ पे दो स्टेप में किक मांग रहा है और आगे एक हुक डबल हुक है, यानी कि ये वाला हुक नहीं, ये पानी वाला हुक है, इसको आप यूज कीजिएगा। एक और नया पैटर्न है उसमें और सब वैसे ही रहेगा जैसे है। तो यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे हम लोग, किक लगाएंगे यहाँ पे, अविनाश किक लगा देते हैं, मेरा ऑफिशियल किक तो नहीं है इसलिए। यहाँ चाहे तो आप फोर स्टेप में भी बना सकते हैं, देखिए फोर स्टेप में भी बनाकर दिखा दे रहा हूँ इस टाइप का ये बजेगा। यहाँ पे फोर स्टेप में ये लगा दिया प्लस ये बैकग्राउंड म्यूजिक एक लगा देता हूँ, तो ये हो गया बैकग्राउंड म्यूजिक। और यहाँ पे ढोल लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे ढोल लगाएंगे, यहाँ पे तीन स्टेप में ढोल लगाएंगे या फिर पांच स्टेप में। तो यहाँ पे पांच स्टेप में लगा कर देखेंगे, उसके बाद तीन स्टेप में लगा कर देखेंगे कैसा है। तो ये देखिए एक स्टेप हो गया, दो स्टेप हो गया, तीन और ये चार और ये पांच स्टेप हो गया हमारा। अप्ले करेंगे, हमें ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है इसका बैकग्राउंड में भी। तो देखिए एक नंबर वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। अब देखते हैं ऐसे भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, इसको तीन स्टेप में भी करके इसका पैटर्न। अब देखिए इसका किक भी हटाकर इसका पैटर्न बना सकते हैं। अब यहाँ पे और कुछ यूज करना होगा, जैसे कि टोम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो मैंने बताया था, देखिए ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, सॉरी कौन सा हमारे पास था एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो हम लोगों ने ऐड किया था, वही वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। इन सबका सैंपल का लिंक चाहिए तो मैंने पहले ही बोल दिया, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और ये इस सैंपल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। देखिए इसका फिट टेम्पो कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा फिट। अब देखेंगे देखिए ये ऐसा हो गया। अब एक स्टेप और बना देता हूँ, इसको कॉपी करके आगे नहीं बढ़ाऊंगा, देखिए एक स्टेप और बना देता हूँ। सॉरी ये अविनाश किक को यूज करना है यहाँ पे, या फिर दूसरा किक भी आप यूज कर सकते हैं। सबका सैंपल तो सैंपल का लिंक नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको ढोल ये सब आपके पास तो ऑलरेडी होगा ही, इसलिए वेस्ट को लेकर क्या करना है। आप सभी के पास और सारा होगा तो अच्छी की बात है, अगर नहीं होगा तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि किस टाइप से डाउनलोड करना है सारा सैंपल्स, तो आपको भी मिल जाएगा
सारा सैंपल किस टाइप से डाउनलोड करना है उसका लिंक, सॉरी लिंक बोला हूँ, मेरे वीडियो पे मेरे चैनल में जाने के बाद उसका भी कैसे डाउनलोड करना है सब मिल जाएगा। तो चलिए कुछ इस टाइप से इसका पैटर्न हो गया। और यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 4 स्टेप में लगा कर दिखा देता हूँ और बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा। तो देखिए कुछ इस टाइप से हो गया। अब एक स्टेप में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए दोनों स्टेप को सुना कर। देखिए कुछ इस टाइप से हो गया और यहाँ पे 2 स्टेप में पैटर्न है और आगे देख लीजिएगा किस टाइप का पैटर्न है। फ्रेंड्स मैं पूरा 2 मिक्स करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है मिक्स करने में। ऐसे ही 14 मिनट कुछ सेकंड का हो गया वीडियो हमारा, 10 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो हो गया, 11 मिनट के आसपास हो गया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बनाना है और इस सॉन्ग को रिमिक्स करना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।